प्रोफेसर सुशील गुप्ता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोलॉजी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ से हूँ। मैं आपको आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ तथ्य देना चाहूँगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों की परेशानी है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ज़रा सा झटका लगने के बाद हड्डियाँ टूट जाती हैं। 50 साल की उम्र के ऊपर की स्त्रियों के अंदर 40% लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस पाई जाती है और पुरुषों में 60 साल की ऊपर उम्र में 20% ऑस्टियोपोरोसिस पाई जाती है। परेशानी सिर्फ यहाँ ही नहीं ख़त्म होती बल्कि परेशानी जैसे जैसे उम्र और बढ़ती जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना 70-80% हो जाती है यदि महिलाओं की अवस्था 70 से 80 साल के बीच में हो। आपने भी देखा होगा कि आपके घर के अंदर किसी बुजुर्ग महिला को जैसा फिसलने पर हड्डी टूट जाती है या हिप फ्रैक्चर हो जाता है, वो काफ़ी जानलेवा होता है। ऐसा देखा गया है कि 40% स्त्रियों को फ्रैक्चर होने के बाद 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मेडिकल का इश्यूज़ भी होते हैं। 20 से 25% लोग ही अपनी पुरानी सामाजिक दिनचर्या पर आ पाते हैं। 50% लोगों को अपने रोज़मर्रा की जीने के लिए कुछ ना कुछ सहायता का उपयोग करना पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसका रोकथाम किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। यदि स्त्रियों को महावारी बंद होने के बाद 50 साल की उम्र के बाद बोन मिनरल डेंसिटी करा लिया जाए तो उसे ये पता चल जाता है कि हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, जो फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा है और आपको उसके हिसाब से इलाज दिया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम बचपन में शुरू होती है जिसमें कि आपको बचपन में के अंदर जब आप बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तब आपको प्रचुर मात्रा के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी और खूब सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हड्डियों में मजबूती बनी रहती है जो कि जिसकी वजह से आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।